आई वॉज इन बॉम्बे जॉबलेस मेरे बैंक में अगर मैं पैसे के नू पचास साठ हजार रुपए थे आई लोन फाइव लैक्स फ्रॉम माई डैड टू थाउजेंड इलेवन जनवरी में से शेफ्स, uh, बंद हो गया uh, जितने बर्तन थे सब बेचने पड़े खूब सारे दरवाजे खटकाए डेढ़ साल लगा मुझे दिल्ली में मैंने चालू किया भाई मेरा नाम है सारांश और सारांश का मतलब होता है समरी यानी कि संक्षेप में In life, the beautiful um, thought that दैट would want to have इज़ a summary, is a beautiful summary of your journey. और meri uh, journey का जो summary है वो दो ही चीज़ों pe जाके अटक जाता है एक है food और दूसरा है बींग एन ऑनटरप्रनोर तो भाई मेरा जर्नी जो आज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो चालू होता है जब मैं तेरह साल का था एंड वेन आई वॉज अ थर्टीन आई स्टिल रिम्बर मैं अपने दादाजी के साथ um, रूम में बैठता था और उस रूम में पहुँचने से पहले स्कूल बस पकड़ता था डेढ़ बजे की डेढ़ बजे मेरी स्कूल बस आती थी दो बजे मैं बस स्टॉप पे पहुंचता था सुबह दो बजे भागते 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 अपने घर पे पहुंचता था एंड ए टू फिफ्टीन बाई डिफॉल्ट मैं अपने दादाजी के साथ बैठ के देखता था शेफ संजीव कपूर का खाना खजाना अब उस टाइम पे सिर्फ दो ही टीवी शो आते थे तरला दलाल तरला दलाल्स कुकिंग एंड शेफ संजीव कपूरस खाना खजाना तो मैं हमेशा पंद्रह मिनट ही देख पाता था उनका शो पंद्रह मिनट मेरा मिस हो जाता था हमेशा लास्ट रेसिपी उनकी शो की होती थी मिठाई यानी कि डिजर्ट्स एंड दैट्स आई लर्न द फर्स्ट डिश आई एवर मेड इन माई लाइफ विच वॉज अ जलेबी या तो जलेबी एक ऐसी डिश है जिसको मैंने uh, पहली बार बनाया जब मैं तेरह साल का था एंड दैट्स वेन आई रियलाइज कि भाई मेरे अंदर एक खाना बनाने की कला है और एक दिन मुझे कुछ खाने के साथ करना है क्या करना है ये नहीं मालूम था बट कुछ करना है ऐसा दिमाग में इंग्रेन हो गया था तो आई टर्न एटीन तो ऐसे खूब सारे सवाल आए कि सरांश अब 18 साल का हो गया क्या बनेगा माम ने बोला बायोटेक इंजीनियर डैड ने बोला इंजीनियर बट माय ग्रैंडफादर पॉइंटेड आउट कि भाई लड़के को खाना बनाना आता है एंड खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम नहीं है गाय कैन ऑल्सो कुक एंड आई थिंक ही हेल्प मी ब्रेक दिस जीरो टाइप एंड आई डेंट यू नो एज अ एटीन ईयर ओल्ड किड कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ लड़कियाँ खाना बना सकती हैं ये लड़का सिर्फ किचन में होके खाना बना रहा है एंड आई थिंक माई ग्रैंड फादर वॉज एबल टू नोटिस दैट ही यूज टू से फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड बट अ फ्रेंड हु कैन फीड इज द फ्रेंड यू नीड एंड दैट Sort of uh, quote still stays with me, and that's how I enrolled myself into IHM Orangabad, जहाँ पे मैंने तीन साल पढ़ाई की और मैं chef बन गया technically. Uh, after that started a very very unique uh, journey to say so, क्योंकि मैंने अपनी पहली job करी Leela at uh, Bangalore, Leela hotels in Bangalore, और वहाँ पे मेरी stipend थी लगभग 12 हजार रुपए की, and um, I was not happy with it, क्योंकि भाई टीवी पे आप देख रहे हो शेफ संजीव कपूर को रोज़ नई डिश सिखाते हुए बट वेन यूर एक्चुअली कुकिंग इट इन योर ओन किचन इट कैन गेट वेरी वेरी बोरिंग और उसके लिए आपको अगर पैसे मिल रहे हो बारह हज़ार तो इट्स इवन मोर बोरिंग तो आई लेफ्ट माई जॉब और मैं डेली आया uh, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और दिल्ली में मैंने चालू किया अपना ऑनट्रोप्रन ऑन्ट्रोप्रिनोरियल जर्नी देखा वर्ड भी नहीं बोला जाता आज तक ऑनट्रोप्रेनर हूँ पर वर्ड नहीं बोला जाता है सो आई केम हियर आई लोंड फाइव लैक्स फ्रॉम माई डैड और उस टाइम के दो हजार दस में पाँच लाख रुपये की बहुत वैल्यू थी एसेड नो वरी मेरे को एकदम पता है मुझे केटरिंग कंपनी चालू करनी है आई कॉल्ड इट सेफ्स स्टार्टड इन टू थाउजेंड एंड टेन जनवरी और टू थाउजेंड इलेवन जनवरी में से शेफ्स uh, बंद हो गया uh, जितने बर्तन थे सब बेचने पड़े एंड uh, उससे बचे हुए डेढ़ लाख रुपये जो थे मैंने डैड को वापस नहीं किए

और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब टी वी शेफ़ बन जाऊँगा तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को अपना खाना वाकई में ही खिलाने का सो द आइडिया वॉज़ कि uh, थोड़ा फ़ेम और नेम कमा के मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा जहाँ पे मैं लोगों को अपनी रेसिपीज़ uh, खिला सकता हूँ चखा सकता हूँ उनको सो आई शिफ्ट टू मुंबई एंड माई स्मॉल गैम्बल पेड ऑफ़ खूब सारे मैंने ऐसे ई लिखे थे उस टाइम पे यू नो मुझे ऐसा लगता है कि बूंद बूंद करके घड़ा बनता है भरता है राइट right? तो मैंने ऐसी खूब सारी ई लिखी खूब सारे दरवाजे खटकाए डेढ़ साल लगा मुझे पर मैं वो दरवाजे खटकाते गया जब तक कि एक दरवाज़ा नहीं खुला एंड दैट वॉज़ फूड फूड्स डोर और um, मैंने वहाँ पे एक शो में पार्टिसिपेट किया जिसका नाम था महा चैलेंज विच वॉज द इंडियन मास्टर शेफ़ टू से सो वो शो जीता उससे अपॉर्चुनिटी मिली शेफ संजीव के साथ काम करने की किसी भी शेफ को अगर मौका मिल जाए शेफ संजीव कपूर के साथ काम करने का तो भाई दैट्स अ ड्रीम कम ट्रू है ना सो so, शेफ संजीव के साथ काम किया फूड uh, फूड में तीन साल दस से बारह फूड शोज किए बड़े बड़े फूड शोज uh, माधुरी दीक्षित के साथ काम किया मतलब आई फेल्ट लाइक अ सेलिब्रिटी एंड आई फेल्ट लाइक भई uh, कमाल कर दिया एट होम पीपल आर थिंकिंग आई हैड बिकम अ सेलिब्रिटी शेफ पर स्टाइप uh, थी मेरी छोटी सी अभी भी और uh, घर जब जाता था तो एक बार पापा को कॉल करता था पापा इस महीने दस हज़ार रुपये भिजवा दो एंड डैड वॉज लाइक तू किस तरह का सेलिब्रिटी शेफ़ है वेर आर ऑल योर इंडोर्समेंट्स वेर आर ऑल योर लाइक दैट यू नो यू थिंक ऑफ सेलिब्रिटीज एंड टी वी पर्सनैलिटीज़ मेक अ लॉर्ड ऑफ मनी बट आई थिंक खाने की दुनिया में पैसे कमाने का तरीका मुझे लगा एक ही है कि आपको अपना खाना बेचना है टू पीपल टू एक्चुअली मेक मनी सो आई आफ्टर थ्री ईयर्स वर्किंग विद शेफ संजीव लेफ्ट फूड फूड चैनल आई वॉज बैक टू स्क्वायर वन टेक्निकली हाँ मैंने थोड़ा सा नाम जरूर कमाया था अपने लिए बट इन टू थाउजेंड फिफ्टीन आई वॉज इन बॉम्बे जॉबलेस uh, मेरे बैंक में अगर मैं पैसे के पचास साठ हज़ार रुपये थे जो मेरी पिछली सैलरी से मुझे बचे हुए थे बिकॉज आई वॉज लिविंग हैंड टू माउथ ऑफ एग्जिस्टेंस पर uh, मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी एक ऐसी रेसिपी जिसपे मुझे खूब सारा गर्व था एंड आई रियलाइज कि मैंने उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं किया था उसको लोगों को बेचूँगा सो आई लेट मी टेल यू अब अबाउट दिस रेसिपी बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप मेरी ज़िंदगी का सारांश जानना चाहते हैं तो ये रेसिपी का बहुत अहमियत है आ, मेरी लाइफ में मैं क्या करता था शेमलेसली आई वुड ट्वीट आउट टू पीपल जो मुंबई के शहर में इन्फ्लुएंशियल थे म्यूजिशंस एक्टर्स कमेडियंस मैं उनको सीधा ट्वीट करता था कि भाई मैं अपने घर पे आज एक बटर चिकन की पार्टी होस्ट कर रहा हूँ अगर आपको अच्छा बटर चिकन खाना है आप मेरे घर पे आ जाइए दे ऑल वुड कम टू माई गोयला बटर चिकन हैश टैग इवनिंग्स और ये हैश टैग मेरे कुछ दोस्तों ने बॉम्बे में बनाया था uh, गोयला का गोयला कोयला बटर चिकन वॉज एक्चुअली द हैश टैग दैट वेंट वायरल एंड सडनली आजकल की दुनिया क्या है कि एकदम से कुछ वायरल होता है सो इट कैच ऑन सो दो हजार पंद्रह में ये ट्वीट जो है वो वायरल हुआ एंड आई रियलाइज कि बॉस इस बटर चिकन की रेसिपी में देर इज अ बिजनेस मॉडल विच आई एम मिसिंग आउट ऑन तो जब मैंने अपना जॉब uh, छोड़ा फूड फूड पे सो आई रियलाइज कि गोयला बटर चिकन को हमें एक ब्रांड बनाना है एंड द आयनी ऑफ ऑल ऑफ दिस इज आई हैड टू डैड फॉर टेन लैक्स ऑफ लोन टू स्टार्ट अ ब्रांड दैट इज कॉल्ड गोयला बटर चिकन बट द एंटायर फैमिली इज वेजिटेरियन तो उसका अप्रूवल डैड हैड टू टेक फ्रॉम द एंटायर फैमिली क्योंकि भाई अगर वेजिटेरियन फैमिली ने बटर चिकन का काम चालू कर दिया तो मतलब डन सीन्स सो so, uh, मैंने बहुत कन्विंस किया डैड को आई टोल्ड हिम कि देखो uh, इस पे आप अपना पैसा लगाओ क्योंकि ये एक दिन बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा आई हैड टू रियली कन्विंस हिम बाय द वे आई हैड नॉट रिटर्न हिज फाइव लैक्स लोन फ्रॉम द प्रीवियस केटरिंग कंपनी वो वो हम भूल चुके हैं दिस टाइम आज से वो टेन लैक्स ही रिमाइंडेड मी लास्ट टाइम यू टू फाइव लैक्स यू नॉट रिटर्न इट मैं ये आखिरी दस लाख दे रहा हूं एंड ई अग्री टू गिव मी दिस टेन लैक लोन अमाउंट बिकॉज आई हैड फाउंड अनदर बकरा लाइक मी माई फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज विवेक हु वॉज गोइंग टू बी माई को फाउंडर एट गोयला बटर चिकन और हमें काफी सारे लोगों ने मना किया कि बटर चिकन इतना पुराना डिश है मोती महल है हजारों रेस्टोरेंट है जो बटर चिकन खिलाते हैं आप क्या ऐसा अलग खिला दोगे इन लोगों को एंड नो बडी वॉज रियली कन्विंस्ड कि गोयला बटर चिकन गोयलाज आर वेजिटेरियन बटर चिकन इतना पुराना डिश है कौन खाता है आज की डेट में बटर चिकन बट आई थिंक आई वांटेड टू स्टिक टू माई बिलीफ मेरा ये मानना है कि लोग क्या कहेंगे हैज़ किल्ड मैनी ड्रीम्स बट लोग क्या खाएंगे हैज़ मेड मैनी ड्रीम्स कम ट्रू एंड आई स्टक टू दैट नोशन ऑफ माइंड वी स्टार्टेड गोयला बटर चिकन इन जून 2016 भाई रेसिपी तो बनी थी पीतमपुरा की छोटी सी किचन में आ, मेरे वेजिटेरियन पेरेंट्स के लिए और आ, कहने को तो मैं सेलिब्रिटी शेफ हूँ मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं पर आज भी अगर मेरे को रात को एक बजे मेरे काउंटर बॉय का कॉल आ गया कि बीएमसी आ, आ गई है पुलिस वाले आ गए हैं उनको हैंडल करना है तो अगर किसी कस्टमर का कॉल आ गया रात को कि मेरा खाना आज नहीं था ठीक सो आई एम आंसरेबल एंड आई हैव टू बी अवेलेबल फॉर गोयला बटर चिकन तो भाई कहने का मतलब ये है कि आपको अगर एक बड़ा सा ब्रांड बनाना है तो आपकी छोटी सी सोच को वो आग लगाने के लिए उसको छोटे छोटे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे यूल हैव टू इफ यू हैव इफ़ यू टू कन्वर्ट योर पैशन इन टू प्रोफेशन उसके लिए वो रातों रात नहीं होता है उसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है सोच इन्वेस्ट करनी पड़ती है नॉक करने पड़ते हैं खूब सारे डोर्स तो भाई कोविड हिट किया हमें एंड आवर बिजनेस आल्सो वेंट टू अ बिग डाउनटर्न बट एज एंटरप्रेन्योर्स आई हैव रियलाइज कि जब आपने अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया है तो ऐसी छोटी-मोटी चीजें आपका जो रास्ता है ब्लॉक नहीं कर पाएंगी क्योंकि जीबीसी चालू हुआ था 10 लाख का लोन लेके बट आज हमारी जो रेवेन्यू है ईयरली 6 से 7 करोड़ है आज हमारे 10 आउटलेट हैं हम लोग लंदन में हैं पूरे यूके को खाना खिला रहे हैं बट एज एन ऑनट्रप्रनोर आई हैव लर्न कि भाई मैं तो पार्ट मारवाड़ी हूँ पार्ट सिंधी हूँ और पार्ट बनिया हूँ सो आई विल नेवर बी गिविंग अप ऑन दिस जर्नी एंड द इजिएस्ट वे आई टेल पीपल इज टू फॉलो योर हार्ट द टू फॉलो योर हार्ट इज़ द ओनली रेसिपी फॉर सक्सेस अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आपको ऑन्ट्रप्रिनर बनने का या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने का रोड मैप मिल चुका है तो रुकिए। बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम सबको एक स्किल का आना बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन एक ऑन्ट्रप्रिन के लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह होता है और आज के हाइपर कनेक्टेड जमाने में इंग्लिश कम्युनिकेशन जैसी ग्लोबल स्किल का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ग्लोबल स्किल को सीखने के लिए और अपना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जोशॉक्स के पास हम सभी के लिए एक सल्यूशन है जोश स्किल्स ऐप भारत का नंबर वन स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं जोश स्किल्स ऐप आप पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को वो भी अन्य स्टूडेंट्स के साथ घबराइए मत इस कॉल का आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा ये आपके स्टडी मटेरियल के साथ ही इंक्लूडेड होगी कोई भी बड़ा बिजनेस शुरू करने से पहले उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का होना और खुद पे की गई हुई इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाती और ना ही कोई हमसे उसे छीन सकता है तो चलिए दोस्तों हम सभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की ओर एक कदम बढ़ाए अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को वर्ल्ड क्लास बनाकर विद जोर्सिल्जार पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और आज ही शुरू करें